हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग एडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी हैं। क्या आप भी इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं? पर लोगों के मिलते जुलते रिएक्शन से थोड़ा सोच में है कि फिल्म देखनी चाहिए या फिर पैसे बचाने हैं। हालांकि दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका सबूत है। दूसरी तरफ हमेशा सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत ने रिपोर्ट किया जा रहे आंकड़ों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ब्रह्मास्त्र के निर्माताओं पर फिल्म के लिए नकली आंकड़े डालने का आरोप लगाया। खैर, आप ही फिल्म देखने वाले दर्शकों के रिएक्शन को देखें और उसके बाद फैसला लें कि आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। ब्रह्मास्त्र आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित है और इसमें रणवीर कपूर और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, मौनी राय और नागार्जुन भी प्रमुख भूमिकाओं में है। साथ ही आप फिल्म में शाहरुख खान को भी देख सकते हैं। फिल्म अब तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मास्त्र के OTT राइट्स तगड़ी रकम में बेचे गए हैं। फिल्म OTT पर इस महीने या अगले महीने अक्टूबर में रिलीज की जा सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही बता दें कि फिल्म का बजट 400 करोड़ है। OTT प्ले की रिपोर्ट के अनुसार OTT अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बेचे गए हैं। खैर, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ब्रह्मास्त्र OTT राइट्स गेम चेंजर होगा, क्योंकि धर्मा फिल्मों का अमेजन प्राइम वीडियो के साथ एक सौदा है और इसकी सभी फिल्में इस OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज होती हैं। इसलिए ये कौन सा OTT प्लेटफॉर्म होगा ये कहना मुश्किल है। ऐसे ही और भी रिसेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।